Hi friends, welcome back to my channel, my creation with easy and busy lifestyle. और मैं हूँ शोम्पा कोलकाता से. आज हम देखेंगे mixed of match cutting. और देखिए ये जो hair है बहुत ज़्यादा लंबा था, तो हम थोड़ा छोटा करके उसके ऊपर ही कटिंग करेंगे. क्लाइंट्स का डिमांड था कि ज़्यादा थोड़ा छोटा करना है हमें हेयर को. और पहले देखिए हमने फोर सेक्शन ले लिए जो बहुत कंपलसरी है. उसके बाद फ्रंट का जो सेक्शन है उसमें ही हम लोग काम कर रहे हैं. पहले देखिए कैंची को ऊपर से नीचे तक हमने चलाए और उसके बाद देखिए पूरा जो सेक्शन है हम फेस के सामने लेके आए हैं और कट कर दिए. एक्स्ट्रा जो हेयर है उसे कट कर दिए हैं. और देखिए पीछे से भी पतला सा थोड़ा सेक्शन ले रहे हैं और फ्रंट का जो कटा हुआ सेक्शन है उसमें मिला के देखिए हमें गाइडलाइन निकाल लेना है. गाइडलाइन हमें मिल जाएगा, उसके अनुसार हमें कट कर देना है. पहले हमें पूरा लेयर्स जो है हेयर में कट करना है, उसके बाद लेयर्स जो शेप है उसे हमें देना है, उसके बाद हमें स्टेप कटिंग करना है. ये जो कटिंग है ये मिक्स्ड ऑफ मैच कटिंग है. इसे आप लोग ही नाम दे दीजिएगा कि क्या रखना है इस कटिंग का नाम. तो आप लोग देखिए ज़रूर, पूरा जो वीडियो है वो अंत तक देखिएगा. और मेरा ये कटिंग अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये कटिंग. तो देखिए पीछे से छोटा छोटा सेक्शन हम निकाल रहे हैं और सामने कटा हुआ जो सेक्शन है उसमें मिला के देखिए हमें गाइडलाइन जो है ज़रूर निकालना है और कट करते जाना है. ठीक इसी तरीके से हमें कट करना है. और ये जो कटिंग है मेरा ये एकदम फ्री हैंड कटिंग है, कोई सेक्शन क्लिप व्लिप नहीं है इसमें. देखिए आप लोग बहुत आसानी से हमें ये कटिंग कर सकते हैं. और क्लाइंट्स का जो डिमांड था वो था कि मुझे थोड़ा छोटा करना है और पीछे वी शेप नहीं लाना है. जो कटिंग है उसमें हमें पीछे का जो शेप है वो हमें यू या राउंड शेप में ही रखना है, वी शेप हमें करना नहीं है. तो हमें ऐसे देखिए हम लोग कट करते जा रहे हैं धीरे धीरे. पूरा सेक्शन को हमने ले लिए हैं और फेस के सामने हम लेके आए हैं और कटिंग करते जा रहे हैं. देखिए अभी एक साइड का तो हमारा कटिंग हो गया है, अभी ऑपोजिट साइड का जो है देखिए वहाँ का भी पूरा फ्रंट का जो सेक्शन है वो हमें निकालना है और ऊपर से नीचे के तरफ कट करते जाना है कैंची को. ठीक इसी तरीके से तो हमें एक लेयर्स मिल गया. अभी इस सेक्शन को पूरा एकदम फेस के सामने लेके आना है और कट करते जाना है. देखिए ठीक इसी तरीके से कट करेंगे. अभी पीछे से जो है छोटा छोटा सेक्शन हम निकालेंगे और कटा हुआ जो सेक्शन है उसमें मिला के हमें जो गाइडलाइन है वो ज़रूर निकालिए और कट करते जाइए. देखिए ठीक इसी तरीके से कटिंग करना है. ये जो प्रोसेस है बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है. अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा, देखिए इसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कटिंग आप लोग भी कर सकते हैं. ये बिगिनर्स के लिए है. बिगिनर्स लोग बहुत सारे कटिंग जो है चाहते हैं कि सीखे देखे, तो उन लोगों के लिए ही मेरा ये कटिंग का जो वीडियो है वो है. तो आप लोग ज़रूर देखिएगा. और देखिए ये जो कटिंग है स्किप मत कीजिएगा. स्किप कीजिएगा तो छोटा छोटा जो पॉइंट है वो निकलता जाएगा, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा. तो आप लोग पूरा ये वीडियो देखिए. देखिए पीछे से सेक्शन हम ले रहे हैं और सामने से जो कटा हुआ सेक्शन है वो भी लेके धीरे धीरे हम कट करते जा रहे हैं और हमें एक अच्छा सा लेयर्स मिलते जा रहा है. और हमें दिमाग में भी रखना है कि क्लाइंट्स बोले हैं कि हमें पीछे का जो कटिंग है वो वी शेप लाना नहीं है. लेयर्स में ज़्यादातर क्या होता है पीछे वी शेप ही आ जाता है, लेकिन हमें वी शेप करना नहीं है. राउंड या डीप यू भी नहीं, नॉर्मल यू के ऊपर ही पूरा कटिंग हमें करना है.
तो देखिए जो गाइडलाइन के अनुसार हमें कट कर दिए है पूरा, और पूरा जो हेयर है हम पीछे के तरफ लेके गए हैं। देखिए हमारा वी शेप हुआ नहीं है और इसमें हमें राउंड शेप ही दे देंगे। और हेयर जो है देखिए हमने थोड़ा छोटा किए है, बड़ा हेयर था पहले ही हमने दिखाए थे, तो क्लाइंट्स के जो बोले थे क्लाइंट्स उसी तरीके से हमें कट करते जाना है। अभी देखिए पीछे का जो सेक्शन है, एक हमें मोटा सा सेक्शन निकलना है इस कटिंग में बहुत सारा सेक्शन हमें नहीं निकालना है, और स्टेप जो है थोड़ा सा स्टेप देना है। देखिए मिडिल का जो सेक्शन है हमने निकाल लिए हैं और नीचे के तरफ लेके गए और कट करते जा रहे हैं। देखिए हमें हल्का सा स्टेप मिलते जा रहा है, बहुत सारा स्टेप हमें नहीं देना है इसमें इस कटिंग में, क्योंकि मिक्स्ड ऑफ मैच कटिंग है। और हाँ, खास जो एक बात है वो है इस क्लाइंट्स का 2-3 महीने पहले ही स्ट्रेटनिंग किए हैं, स्ट्रेटनिंग या स्मूदनिंग कुछ भी हो किए हैं, तो ये स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग वाला हेयर के ऊपर ये कटिंग हो रहा है, और इनमें ही हमें एक ठीक ठाक अच्छा एक लुक्स देना है। तो देखिए पीछे का जो सेक्शन हमने लिए है वो हमें ऊपर के तरफ पूरा लेके जाना है और गाइडलाइन के अनुसार हमें कट करते जाना है। देखिए देखिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा मेरा ये कटिंग, तो ये कटिंग देखने के बाद बोलिएगा कि कैसा लगा। बहुत सारा सीखने का इसमें मौका है आप लोगों को। देखिए और ये जो सेक्शन है, हमें दूसरा जो सेक्शन है ये बड़ा सेक्शन हमें लेना है, छोटा छोटा सेक्शन के ऊपर स्टेप कटिंग करना नहीं है। तो एक बड़ा सा सेक्शन लिए, देखिए पीछे एक मोटा सेक्शन, साइड में भी एक मोटा सेक्शन के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। पूरा सेक्शन को लेना है और नीचे के तरफ लेके जाना है देखिए, और गाइडलाइन के अनुसार हमें कट करते जाना है। इसमें इससे क्या होगा, हमें एक बहुत अच्छा लेयर्स भी मिलेगा और स्टेप कट भी होगा। देखिए कैसा लग रहा है, अभी ये सेक्शन जो है हम ऊपर के तरफ लेके जा रहे हैं और कट करते जाएंगे। अभी ये सेक्शन को और भी ऊपर एकदम 90 डिग्री में लेके जाना है, 180 डिग्री। अभी देखिए ऊपर के तरफ लेके गए और गाइडलाइन के अनुसार हमें कट करते जाना है। इसमें क्या होगा, हमें एक स्टेप जो है स्टेप मिलता जाएगा धीरे धीरे, देखिए। और स्टेप का जो बाउंसी है वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, छोटा छोटा स्टेप देना है और बड़ा बड़ा सेक्शन लेना है। अभी फ्रंट साइड का जो सेक्शन है उसमें हम काम करेंगे, अभी पूरा सेक्शन को लेना है और हेयर के पीछे माथे के देखिए पीछे के तरफ लेके आना है और गाइडलाइन के अनुसार हमें कट कर देना है। और ज़रूर आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और मैंने भी ये वीडियो जो बनाया है स्किप नहीं किए है, पूरा ही आप लोगों के साथ शेयर किए है ये वीडियो। तो देखिए हमारा ये जो कटिंग है एक साइड का तकरीबन होके आया है पूरा, अभी दूसरे तरफ हम कट करेंगे। दूसरे तरफ का जो कटिंग है देखिए, वहाँ पे भी मोटा एक सेक्शन लेंगे, पीछे का मोटा सेक्शन हो गया है और इस तरफ का जो है हमें मोटा एक सेक्शन लेना है। और हाँ, कोम जो है बहुत अच्छी तरीके से करना है, किसी बाल को हमें फंसा ना रहे ये ध्यान में रखना है और कटिंग करना है। अभी नीचे के तरफ लेके गए हैं और देखिए हमें गाइडलाइन के अनुसार, गाइडलाइन तो हमें मिलता ही जाएगा क्योंकि कटा हुआ जो सेक्शन है वो हमने ले लिए हैं, तो गाइडलाइन बहुत आसानी से मिलता जाएगा देखिए। और हम लोग कट करते जाएंगे, प्रोसेस जो है दोनों साइड का एक ही प्रोसेस है, दोनों तरफ का जो डिवाइडेशन है वो इक्वल करना है और हमें एक ही तरीके से कटिंग करते जाना है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ का जो माप है वो हमें एकदम ठीक ठाक मिलेगा। तो अभी हमें देखिए दोनों तरफ ही बहुत अच्छा एक हल्का सा स्टेप मिल गया है। ये पूरा स्ट्रेटनिंग हेयर है, स्ट्रेटनिंग हेयर के ऊपर ही हमें लुक देना है। ये बहुत टफ
मतलब काम है, तो जो स्ट्रेटनिंग हेयर है उसमें स्टेप बहुत अच्छे तरीके से आता नहीं है। बाउंसी अगर हेयर हो तो उसमें स्टेप बहुत अच्छे तरीके से आता है, लेकिन क्लाइंट्स जैसा चाहते हैं वैसा तो हमें करना ही है। तो ये जो वीडियो है ये ज़रूर देखिए, अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए फ्रंट का जो सेक्शन है उसमें ही हम काम करें, दोनों तरफ का जो सेक्शन है उसमें काम एक ही तरीके से करना है, गाइडलाइन के अनुसार हमें कैंची को चलाना है। बस देखिए हमें एक लुक मिल गया है। और ये जो कटिंग है ये आप लोग स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए, ये बहुत अच्छा कटिंग है और बहुत क्लाइंट्स बहुत पसंद करते हैं ये कटिंग। तो देखिए वो जो हमारा हो गया है दोनों तरफ का, अभी बीच में देखिए सेंटर से हमने क्राउन एरिया से पूरे हेयर को ले लिए हैं और ऊपर की तरफ देखिए लेके गए हैं। इसके बाद हमें गाइडलाइन के अनुसार पूरा कट कर देंगे, तो हमें अच्छा सा एक लेयर्स भी मिल जाएगा और स्टेप भी मिल जाएगा। और हेयर देखिए छोटे के ऊपर भी हुआ है, वी शेप भी नहीं हुआ है, मतलब क्लाइंट्स जो जो चाहते थे उसी तरीके से हमने कटिंग किए हैं। अभी हमें ड्रायर से पूरा सुखाना है, क्लाइंट्स का जो मांग है वो अगर हम पूरा करें तो क्लाइंट्स भी खुश हम भी खुश। अभी छोटा छोटा सेक्शन लेना है और रोलर ब्रश के मदद से और ड्रायर के मदद से ठीक इसी तरीके से हमें सेटिंग करते जाना है। और हेयर कटिंग का जो एक महत्वपूर्ण जगह है वो है सेटिंग, ये सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सेटिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये जो सेटिंग है हमें अच्छे तरीके से करना है, हमें पहले फ्रंट के जो सेक्शन है उसमें हमें सेटिंग करते जाना है। और लेयर्स का जो सेटिंग करते हैं, लेयर्स का सेटिंग हम जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से हम ये हेयर कटिंग जो है इसे हमें सेट करना है। और क्लाइंट्स को पूछ लेना है कि आप बीच में मांग करते हैं या साइड में, वो अगर बीच में करते हैं तो सेटिंग हमें बीच में मांग रख के ही करना है, और अगर साइड में मांग करते हैं तो साइड में हमें मांग रख के उसी तरीके से हमें सेटिंग करते जाना है। क्लाइंट्स का जो चाहेंगे क्लाइंट्स तो उसी तरीके से उनके हिसाब से ही हमें काम करना है। तो देखिए धीरे धीरे हम एक सेक्शन ले रहे हैं और सेक्शन वाई सेक्शन हमें सेट करते जाना है, हम लोग सेट करते जा रहे हैं देखिए। और ये जो सेटिंग है ये लेयर्स का सेटिंग है, लेयर्स कटिंग में जैसा सेटिंग करते हैं उसी तरीके से हमने सेटिंग किए हैं। और देखिए ये कटिंग करने के बाद कैसा लग रहा है, और पूरा कटिंग आप लोग देखिए पूरा, और कटिंग देखिए कैसा लग रहा है पूरा, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कटिंग कैसा हुआ है, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है, और आप किस तरीके का कटिंग और किस तरीके का वीडियो हमसे चाहते हैं, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे उसे उसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लाने के लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और भी वीडियो लाने का मन करेगा, मन करता है कि नहीं सब्सक्राइब हुआ है तो चलिए पसंद तो कर रहे हैं, तो ये ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए कैसा लग रहा है पूरा कटिंग, इसका जो कटिंग है ये मिक्स्ड ऑफ मैच कटिंग है, आप अगर हो सके तो ज़रूर नाम दे दीजिएगा इस कटिंग का। तो चलिए आज टाटा बाय, थैंक यू।